आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रेस भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव चल पड़ा है, तो आज प्राइम टीवी की टीम निकली है मोहनलालगंज क्षेत्र में, जहां पर पब्लिक का प्राइम विधायक कौन होगा इस पर आज हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ में मोहनलालगंज से बीजेपी की दावेदारी कर रहे अमरेश कुमार रावत हमारे साथ में मौजूद है और आज उनका जनसंपर्क कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। क्या चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिली हैं, क्या समस्याएँ देखने के लिए मिली हैं और किस तरीके से ये उन समस्याओं का समाधान करेंगे, सीधे अमरेश कुमार रावत जी से हम इस पे बात करेंगे। प्रेस भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अमरेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक विधायक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम आपका चल रहा है, आप अपने क्षेत्र में इतने समय से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं? समस्याएं एक ही दिखने को मिल रही है जी। कहीं कहीं जहां पे हमारे गौशालाएं समुचित ढंग से नहीं चले हैं जी। वहां जानवर ज़्यादा हैं, लोगों की फसल का नुकसान जो हो रहा है जी। वो हमारी सरकार ने कह दिया है, इस बार सरकार बनने के बाद पूरी समुचित व्यवस्था कर देंगे, कोई भी एक जानवर खेत में बाहर नहीं मिलेगा जी। ये मैंने भी कह दिया है जी। कि कोई जानवर आपके खेत में फसल नुकसान करने के लिए नहीं आएगा। बाकी पूरी जनता खुश है जी। जो योजनाओं का लाभ मिल रहा हमारी सरकार से, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे आवास के रूप में हो, चाहे शौचालय, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में हो, और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना जो मिली, और आयुष्मान भारत से जो 5 लाख रुपए का इलाज के लिए फ्री कार्ड मुहैया हुआ हमारी सरकार से, इससे जनता पूरी खुश है जी। एक यही कहीं कहीं समस्या देखने को मिलती है जी। उस समस्या का निदान करने का हमने वादा किया है, हमारी सरकार ने भी कहा है जी। सरकार बनने के बाद तुरंत सबसे पहले यही काम किया जाएगा। अच्छा, आपने अभी कई योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, योजनाएं उज्ज्वला योजना की बात करी है, आयुष्मान की बात करी है, ऐसे कई योजनाएं यहाँ पे चली हैं, उस पर आप किस तरीके से अपनी नज़र बनाएंगे कि सही व्यक्ति को वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है? ये अभी दोबारा जो लोग छूट गए हैं उनको भी मिलेगा। आयुष्मान भारत की योजना प्रत्येक परिवार को दी जाएगी जी। जो इलाज है जी। वो 5 लाख तक के इलाज फ्री जी। होगा। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को 5-5 लाख का इलाज फ्री मिलेगा जी। और जो उज्ज्वला योजना है, जो गैस सिलेंडर जिनके कनेक्शन नहीं नाम से थे उनको सबको दिया गया है, जो रह गए हैं जी। दूसरी बार भी 1 करोड़ देने का काम हमारी सरकार ने किया है जी। जो भी बचेंगे लोग फिर आएंगे, मिलेंगे जी। योजनाएं पूरी जमीन तक उतरी हैं, जनता तक पहुंची हैं सीधे जी। इनसे काफ़ी जनता संतुष्ट है। आप मोहनलालगंज से विधायकी का चुनाव यहां पे लड़ रहे हैं, आप कई क्षेत्रों में जा चुके हैं, आपने गोसाईगंज का भी दौरा किया है, अब गोसाईगंज में ये कौन सा क्षेत्र है, आपको यहां पर क्या मुख्य समस्या दिखी? यहां पे रसूलपुर टिकनिया मऊ, यहां सबसे ज़्यादा समस्या जानवर वाली दिखी जी। लोगों ने कहा, वो मैंने वादा किया है कि जानवर ये सब पकड़ के जाएंगे जी। और इनके लिए जो हमारी सरकार ने गौशाले खोले थे जी। प्रत्येक जानवर पे 30 रुपये का राशन भी मुहैया कराया, वो भी फंड आता है जी। लेकिन कहीं कहीं विपक्षी लोग रहे जी। प्रधान जो सपा माइंडेड रहे, उन लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया, इसलिए वो समस्या जो है दूर नहीं हुई है। ये समस्या इस बार सरकार आने के बाद कुछ अलग व्यवस्था करके वो पूरी समस्या खत्म करने का काम करेंगे। बाकी अमरेश जी, यहाँ पे जिस तरीके से अभी यहाँ पे क्षेत्र में जब अभी आ रहे थे तो यहाँ पे सड़कों की समस्या भी बहुत ज़्यादा है और अभी शायद जहाँ तक है शौचालय वगैरह भी अभी कम यहाँ देखे जा रहे हैं और साफ सफाई को लेकर भी है, उसके चलते आपने क्या चीज़ क्या व्यवस्था कराएंगे आगे उसके लिए? देखिए, जो शौचालय कहीं कहीं कम है बता दिया हमने, जो प्रधान जो सपा भी दूसरी पार्टी के माइंडेड थे उन लोगों ने सरकार का विरोध करने के लिए उन योजनाओं को धरातल पे ले जाने का काम नहीं किया,
कोशिश किया ज़्यादातर वो रुक जाएं, क्योंकि उनके अंदर एक भावना गलत थी, लेकिन सरकार को अपना मान करके जनता का काम करना चाहिए। वो प्रतिनिधि चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, इन सबको जो प्रतिनिधि होता है वो पूरे गांव के लिए सबका होता है। लेकिन ये भेदभाव जो करते हैं, मैंने सबसे पहले ये वादा किया है कि मैं विधायक बन के आऊँगा, सबसे पहले बैठ के करके ये भेदभाव मिटाऊँगा। जो ये भेदभाव होता है ये नहीं होना चाहिए और सरकार का पूरा लाभ हमारी जनता को मिलना चाहिए। मतलब जैसे अन्य पार्टियां एक जातिवाद के आधार पर वोटिंग करती हैं, जातिवाद की राजनीति चलती है, उस तरीके से ये है कि यहाँ पर जो है वो उस जातिवाद को आप खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे। ये जो जाति समीकरण से लोग काम करते हैं ये हमारी सरकार में नहीं होता। हमारी सरकार में जो भी योजनाओं का लाभ मिला है वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सबको लाभ वो पहुंचा है। हमारी सरकार पक्षपात का काम नहीं करती है और इस तरीके से नहीं हुआ है कि इनको मिले उनको ना मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप काफी लंबे समय से राजनीति में हैं, तो आपको क्या फर्क दिखता है भाजपा की विचारधारा में और बाकी पार्टियों की विचारधारा में? बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी वो गरीब और मजबूर मजदूर सबकी चिंता करके काम करती है, और अन्य सरकारों में जो हमने देखा है अभी तक, वो बाहुबलियों का साथ ज़्यादा देती है, गरीब जनता से कोई मतलब, उनको केवल वोट लेने तक मतलब रहता है। बाद में वो अन्य सरकारें बाहुबलियों के साथ रहती हैं, गरीब जनता के साथ नहीं रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मोहनलालगंज से बीजेपी प्रत्याशी अमरीश कुमार रावत हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, वो सभी का सामान उस पर ध्यान देती है और सभी के लिए कार्य करती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी पूछेंगे कि वो लोग का क्या कहना है। आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से? जी मैम, हमारे गांव में कई समस्याएं हैं जो कि हमें ये लगता है कि जब अमरीश रावत जी विधायक बनकर आएंगे तो उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, ऐसा क्या है अमरीश कुमार रावत जी में खास जिसकी वजह से आप उनको वोट देना चाहते हैं? जी मैम, जी पिछले कई पंचवर्षीय में यहां पर सपा सरकार के विधायक रहे हैं, जो कि कुछ यहाँ पब्लिक के बीच में आके उनकी समस्याओं को नहीं सुना और ना कि उनका समाधान किया। अमरीश रावत जिस प्रकार से जनता के बीच आ रहे हैं, तो इससे ये लग रहा है कि अमरीश रावत अभी जनता के बीच आ रहे हैं और वो भरोसा दिला रहे हैं जनता को कि हम जीतने के बाद भी आएंगे। तो ये जनता चाह रही है कि ये जीत कर आएँ और हमारे बीच में फिर से हमारी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। जी मैम, आपका क्या नाम है? जयप्रकाश रावत जी। जयप्रकाश रावत। जयप्रकाश जी, ये बताइए, आप काफी समय से वोट देते आ रहे हैं, आपने आज तक कई पार्टियां देखी होंगी कि कौन पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। अगर हम आपसे एक फर्क की बात करते हैं तो आपको कौन सी पार्टी, मतलब बीजेपी की सरकार में और बाकी पार्टियों में क्या अंतर दिखता है? अभी तक हम जितनी पार्टियां देखी हैं हमको तो बीजेपी सबसे अच्छी लगी। जी, तो आज तक आपने उन्हीं को वोट, बीजेपी को वोट दिया है? हाँ, बीजेपी को वोट दी है हमने। जी, पिछली बार भी दी थी। जी, और पूर्णिमा रावत जब वो एमपी थी तब से हम दे रहे हैं उनको, बीजेपी को नहीं, पहले हम कांग्रेस को दिया था और अब उन्हीं को देते हैं। जी, लेकिन इनका काम हमको अच्छा लगा। जी, और अच्छा काम है। जी, भाई गरीब जनता को सब कुछ मिल रहा है। जी, शासन भी ठीक है। जी, गुंडा राज खत्म है। जी, सारी समस्याएं उन्होंने हल की हैं। आज कोरोना काल में देख लीजिए कि गरीब जनता मर जाती है, अगर राशन ना होता, दो दो टाइम राशन फ्री मिल रहा है। जी, तेल भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है। जी, किसान के खाते में दो दो हज़ार रुपये आ रहा है। जी, पेंशन भी आ रही है लोगों की, मकान भी बन रहे हैं। जी, तो ये सब चीज़ें हैं। जी, तो हमको इनका शासन अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? संजय वर्मा, पूर्व प्रधान। संजय जी, आप बताइए कि आप अपने विधायक में क्या चाहते हैं, आपके विधायक में क्या होना चाहिए? हमारे विधायक तो ठीक ठाक हैं, विधायक बाबा की, हमारे जो बाबा जी हैं बहुत, जो जनता को इस महामारी में बचाया भूखो रहने से, नहीं तमाम जनता भूखों मर जाती, ऐसा मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ। जी, जो लाभ मिलता है जनता को सीधे मिलता है। जी, पैसा आता है वो भी खाते में आता है। जी, मतलब ये है कि भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत कम है। भ्रष्टाचार नाम की चीज ही नहीं। जी, और सरकारों में कहीं मियां को देखा जाता था, कहीं इस सरकार में जात पात छुआ छूत कोई प्रकार का किसी को एक समान देखा जाता। एक दादा हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या चाहते हैं अपने विधायक से, सीधे उनसे बात करेंगे। तो दादा, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, क्या है आपका नाम? हनुमान।
हनुमान हनुमान बड़ा अच्छा नाम है आपका तो मतलब आज हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं अब ये चाहा जा रहे हनुमान नाम रख दी तो रख दी नाम हनुमान है दादा ये बताइए कि आप चुनाव के बारे में जानते होंगे क्या होता है इलेक्शन पता है आपको हमको नहीं पता है जो बता तो वही जी जहाँ बताता है नहीं आप ये बताइए आप आज तक वोट देते आए हैं वोट दिया है आपने हाँ वोट डाले हैं हैं वोट डाले हैं हाँ कितने सालों से वोट डालते आ रहे हैं अरे अरे 70 साल से ऊपर हमें है वहाँ हो गया ना हाँ। तो बहुत सालों से आप वोट डालते आ रहे हैं आपको पता है आपको कौन कौन सी पार्टियाँ होती हैं ये भी पता है हम ये ज़्यादा नहीं जानी बदलाव हुए आपको पार्टी के वो चिन्ह पता है फूल होता है साइकिल होती है हाथी होता है ये तो पता है ना आपको हम तो साइकिल दिए हैं साइकिल पे दिए हैं अच्छा साइकिल पे क्यों दिए हैं कौन है साइकिल की सरकार अब यो हम नहीं जानती जब हम बताएं तो तो किसी ने बताया था आपको साइकिल पे वोट देने के लिए किसने कहा था अरे गाँव वाले गांव को कहिए अच्छा गाँव वाले ने कहा साइकिल पे वोट दे दीजिए तो दे दिया अच्छा फूल वाली सरकार जानते हैं ज्यादा नहीं बतला वो हम ज्यादा नहीं जानते मोदी जी को जानते हैं हाँ मोदी हाँ दीन जी को दादा हाथ मोदी जी को जानते हैं मोदी जी को हम ज्यादा नहीं पर जो राशन पानी दे रहे हैं मोदी जी को जानते हैं जो गरीबों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं अच्छा सड़कें बनवा रहे हैं राशन पानी दे रहे हैं कोरोना काल में उन्होंने काफी काम किया है तो अरे राशन पानी मिला तो ये क्या करने मिले अच्छा राशन पानी मिला है लेकिन किसने दिया ये नहीं पता प्रधान को जानते हैं हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा इस बार बताइए कि अब इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं साइकिल को देंगे फूल को देंगे हाथी को देंगे किसको देंगे अच्छा अरे फूल को दिया फूल को दें हाँ, फूल के लिए किसने बोला आपको किसी ने बोला आपको फूल को देने के लिए या आप अपने मन से देंगे अपने मन से कहीं से अपने मन से देंगे हाँ। अच्छा और यहाँ पे फूल वाले प्रत्याशी कौन है पता है आपको हमको नहीं पता हम पढ़े लिखे हैं कहा बताइए अच्छा अच्छा आपको पता नहीं है हाँ। लेकिन फूल को देना है क्यों देना है अब तुम हमसे जो पूछा हम कहा बताइए दादाजी का कहना है कि भाई ये वो फूल को इस बार वोट देने वाले हैं पहले इन्होंने किसी और पार्टी को वोट दिया था फिलहाल फूल को देंगे क्योंकि राशन पानी इनको मिल रहा है और राशन पानी जो देगा वो ये उसको वोट देंगे कुछ महिलाओं से भी हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं उन महिलाओं से जानेंगे कि वो क्या चाहती हैं अपने नेता में कि किस तरीके का उनका नेता होना चाहिए और उस नेता में क्या खूबी होनी चाहिए एक महिला की नज़र से क्या उनको प्राथमिकता रहती है क्या नाम है आपका जी ज्योति राव ज्योति ज्योति ये आप यहाँ गांव में कितने समय से रह रहे हैं कम से कम 12-13 साल हो गए 12-13 साल से रह रहे हैं अच्छा आप ये बताइए चुनाव के बारे में आपको पता होगा चुनाव आप वोट कई बार दिया होगा आपको हाँ, क्या बार दिया है तिवारा किस पार्टी को आप वोट देंगे हम तो इसी मोदी जी को देंगे वोट मोदी जी को वोट देने का कारण क्या है कारण क्या है अब महिला पहले से बहुत सुरक्षित है जी जी पहले महिला रात को निकल नहीं पा रही थी अब महिला निकलती है बिना झिझक के सारी सुविधा चला दी है ना मोदी जी तब कोई टेंशन नहीं रहती किसी को चाहे रात में 12 बजे जाने को तो और निकल जाती है घर से पहले ऐसी सुविधा नहीं थी यहाँ पे अब औरतें बिना झिझक के निकलती हैं तो मोदी जी पूरा सहायता भी करते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी वोट मोदी जी को जाएगी भाई ये इनका कहना ये है कि महिला मोदी की सरकार में काफ़ी सुरक्षित हैं जिसकी वजह से वो बीजेपी की सरकार को वोट देना चाहती हैं और महिला भी क्या नाम है आपका मेरा नाम पिंकी है पिंकी अच्छा पिंकी ये बताइए आप कितने काफ़ी समय से वोट देती आ रही होंगी तो आपने आज तक किसको वोट दिया है कौन सी सरकार आपको ज़्यादा बेहतर लगती है अरे सरकार तो मोदी की अच्छी है मगर एक बात है नमक में प्लास्टिक मिलके आ रही है थोड़ा खाने पीने की सामान दे रहे तो अच्छा दें अच्छा और ने क्या क्या जनता को मार डरेंगे अच्छा इसीलिए हम दे रहे हैं नमक दे रहे हैं चना दे रहे हैं राशन भी दे रहे हैं जी। वो चीज़ अच्छी है जी। मगर थोड़ा सामान जैसे राशन गेहूँ है तो वो अच्छा दे रहे हैं नमक भी ढंग का दें जब खाने पीने की चीज़ दे रहे हैं थोड़ा ढंग का देना चाहिए जी। अच्छा खाने पीने में थोड़ी सी समस्या है हाँ। मिल रहा है लेकिन आपको हाँ। बेहतर नहीं मिल रहा नहीं गेहूँ चावल सब अच्छे हैं नमक में थोड़ा
अच्छा नहीं अच्छा है, नमक में अच्छा नहीं। और क्या चाहेंगी जो विधायक बनेगा तो आप क्या चाहेंगी, आपके विधायक में क्या हो? क्या कुछ चाहने कुछ नहीं है अपना, मतलब विधायक थोड़ा देखभाल जनता की भी करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जनता की देखभाल नहीं होती है, जनता की भी देखभाल करनी चाहिए कि कोई जनता देख लो बहुत गाय छोड़े हैं, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, गाय उनका थोड़ा करना चाहिए, इसीलिए तो सबको चाहिए कि हाँ जनता भी अच्छी रहेगी। यहाँ गांव में मौजूद एक महिला से बात की जो वो बोलती हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि खाना पीना दिया जा रहा है, लेकिन खाने पीने में थोड़ी सी समस्या उनको लगती है कि क्वालिटी में थोड़ा उनको फर्क लगता है। यहाँ एक और महिला हमारे साथ में मौजूद, क्या नाम है आपका? हमारा रीता नाम है। रीता, हाँ। रीता ये बताइए आप किस सरकार को ज्यादा पसंद करती हैं या किस सरकार में आपको लगता है कि ज्यादा काम किया है? मोदी जी। मोदी ने क्या क्या काम किए हैं मोदी ने? अरे गैसो पान है, रसनी मिल रही है, सबक चना मिल रहे हैं, तेल मिल रहा जी, नमक मिल रहा। अच्छा अगर कोई और सरकार कोई और पार्टी आपको ये चना तेल नमक मिर्ची अगर देने लगेगा तो क्या आप उस पार्टी को जिताना चाहेंगे? सिर्फ मोदी जी का, सिर्फ मोदी जी का। मोदी जी उम्र बिटिया पहले उनके कार्ड बनवाओ। तो यहाँ सभी जो हैं वो मोदी जी के पक्ष में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सभी का कहना है कि मोदी की ही सरकार वो चाहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए लेकिन वो मोदी को ही देंगे। यहाँ पर गोसाईगंज के निज़ामपुर में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की, लोगों का कहना है कि हम मोदी को ही वोट देंगे क्योंकि मोदी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लोगों का कहना ये भी है कि मोदी की पार्टी जो है वो जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, सभी को समान अधिकार देती है और सबका समान तरीके से ध्यान रखती है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। निखिल मिश्रा यहाँ के चेयरपर्सन, गोसाईगंज के चेयरपर्सन हमारे साथ में मौजूद हैं। निखिल जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है इसमें सभी पार्टियों ने अपनी हर कोशिश जारी रखी हुई है, हर उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या रहेगा इस माहौल में? देखिए मोहलागंज विधानसभा में इस बार निश्चित ही कमल खिलेगा। वो इसलिए खिलेगा कि 70 वर्षों से जो राज कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियाँ, किसी ने गरीबों के लिए उस तरह नहीं सोचा जी। जैसे हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने सोचा जी। इतना बड़ा महामारी थी कोरोना काल, हमारी सरकार हमारे कार्यकर्ता हर एक दुख मुसीबत में खड़े रहे लोगों के, जो वैक्सीनें लग रही हैं आपको भी पता कितनी कीमत है और निःशुल्क लग रही हैं, दो वक्त राशन उनको मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, कोई भूखा नहीं मरा है पूरे उत्तर प्रदेश पूरे केंद्र में। ऐसा इसलिए होगा कि योगी जी मोदी जी ने उनकी चिंता के बराबर, चाहे दवा का हो चाहे उनको भोजन का हो चाहे जो व्यवस्थाएं हो, किया है। दूसरा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर गरीबों के लिए हर वो चीज़ कर रही है जो कभी 70 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा है। क्यों नहीं जनता हमें लाइक करेगी, क्यों नहीं हमें मतलब जो है दोबारा सरकार में लाएगी? वो इसलिए लाएगी क्योंकि जो 70 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा, हर गरीब को अपना पक्का मकान मिल रहा है, उनको विद्युत कनेक्शन नहीं होते थे उनको लाइट मिल रही, अब तो घोषणा हो गई है कि 150 यूनिट बिजली 300 में आधी फ्री हो जाएगी, 300 यूनिट बिजली में आधी यूनिट बिल माफ हो जाएगा। किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ के 12000 हो जाए, 6000 तो मिल ही रहा है। दूसरा हर घर को जल मिल रहा है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो रही है, उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है, कई गाँव सभाओं में जमीन चिन्हित हो गई है, कहीं काम मतलब चालू हो गया है। उसके बाद गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं मुफ्त, जो कभी भी गैस में खाना नहीं बनाया देहात के उनसे पूछो, लकड़ी लाके फिर लकड़ी बारिश है तो जल नहीं रही, कुछ भी हो रहा है, ऐसी समस्याएं होती थी माता बहनों को, उनको जो है गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाया। अब जो है इस तरह से तमाम मदद जो है जमीनी, जैसे अब राशन एक व्यक्ति को 10 किलो राशन मिल रहा है एक यूनिट पे, और मैं दावे से कह सकता हूँ 10 किलो राशन मिलने के बाद कोई भूखा नहीं मरेगा, कुछ भी नहीं करता है तब भी हमारी सरकार उसको भूखा नहीं मरने देगी। आपको क्या चाहिए, एक जेन्युइन समस्या जो एक परिवार की होती है गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की, वो हर चीज़ हमारी सरकार चिंता कर रही है और जमीनी स्तर पे कर रही है। आप बताइए कि 5 साल में योगी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, हमारे मोदी जी पे कोई आरोप है, अन्य सरकारें भी रही हैं, आप मीडिया से आपको अच्छा पता है, चाहे बसपा शासन काल रहा हो तमाम मंत्री जेल गए हैं भ्रष्टाचार में, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही उस भ्रष्टाचार में तमाम मंत्री जेल गए हैं, आज भी मंत्री जेल में ही हैं। हमारी सरकार पे एक मंत्री एक विधायक एक कोई नेता पे बताइए भ्रष्टाचार का कोई एक पैसे का आरोप हो, क्यों नहीं आएंगे योगी जी? हमारा धर्म सुरक्षित है,
मोदी जी के हाथ में हमारा देश सुरक्षित है। कभी 70 वर्षों में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ आतंकी हमला हुआ हो, घुस के मारा हो इंडिया ने जाके पाकिस्तान में? मोदी जी ने ऐसा किया है। हमारी पूरी जनता को, हमारे पूरे देश को मोदी जी पे भरोसा है और उत्तर प्रदेश सरकार पे भरोसा है। बाकी आप जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि राशन दिया गया है, हर पर्सन को राशन देने की बात की जा रही है, तो कहीं आपको लगता नहीं कि उस राशन देने की वजह से लोग जो हैं एक उनको आरामखोरी की आदत पड़ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या जो लोग राशन पा रहे हैं घर में सोते हैं क्या, काम नहीं करते हैं? लोग क्या कर रहे हैं कि जो राशन मिल रहा है हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो वो ये कर रहे हैं कि जो एक पर्सन को मिलता है तो एक पर्सन का यूज़ करते हैं, दूसरा वाला बेच दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, मतलब जो है अगर 10 किलो राशन किसी को मिल रहा है तो उसको बेच देगा, कहे बेच देगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ अफवाह है विरोधी पार्टियों की, कोई नहीं बेच रहा है, गरीब अपना गरीब का खाना चल रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार या अन्य पार्टी जो भी इस तरह का प्रचार कर रही हैं, वो गरीबों का हक छीनना चाहती हैं। उनको जो सरकार दे रही है, हमारी सरकार दे रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, उनको क्या दिक्कत है? सरकार दे रही है ना। बल्कि महंगाई के लिए भी जो बात की जाती है उसमें कहा जाता है जो कोरोना काल चला था उस टाइम पे महंगाई का दौर ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि जो चीज़ कम रेट में मिल रही थी वो चीज़ ज़्यादा रेट में मिल रही। उसके लिए मैं बता दूँ, मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, मेरी नगर पंचायत में लॉकडाउन में 1 रुपये किसी भी चीज़ में बढ़ा नहीं है। मेरी बराबर नज़र थी और हमारी पार्टी ने हम लोगों को निर्देशित किया था, हर एक कार्यकर्ता को निर्देशित किया था, चाहे वो बूथ स्तर का करता हो, कि अपने अपने क्षेत्र में नज़र रखिए, अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी उस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गरीब जनता को इस जो है कोविड काल में परेशान कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है या रेट बढ़ा के बेच रहा है, तो उसको आपको जो है सख्ती करना है, शिकायत करना है, उसको बंद कराना है। हम लोगों ने इस पर काम किया, हमारी पार्टी सरकार ने, योगी जी ने एक एक चीज़ पर नज़र रखी है। ये सब जो है अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, कोविड काल में जितना हमारी सरकार खड़ी रही, हमारे मंत्री विधायक तक जान चली गई है सिर्फ जनता की मदद करने में, ऐसा कभी किसी ने, समाजवादी पार्टी सरकार का एक नेता बताइए जिनको कोरोना काल में किसी गरीब की जिन्होंने मदद की हो, उनके मुखिया को बताइए, अखिलेश यादव ने कभी मदद की कोविड काल में? हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कोविड में कोरोना के सिद्ध हो गए उसके बाद भी नज़र रखे थे, प्रधानमंत्री जी ने बराबर नज़र रखे थे एक एक चीज़ पे। इतना तो किसी सरकार ने कभी किया ही नहीं, ना देश के लिए, ना धर्म के लिए, ना हमारी संस्कृति के लिए, ना गरीब जनता के लिए। गरीब जनता इसीलिए पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे केंद्र का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव हो, वो हमारे साथ है और रहेगी, क्योंकि उनके लिए किसी ने सोचा है तो सिर्फ भाजपा सरकार ने सोचा है। और समाजवादी पार्टी सरकार, मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हमारे क्षेत्र की जनता, एक एक जनता परेशान रहती थी, बच्चे पढ़ने वाले परेशान रहते थे, आठ घंटा लाइट देते थे, उसमें भी 8 घंटे में भी लाइट कटौती होती थी, कहते थे देहात क्षेत्र है, तो आज देहात क्षेत्र में वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? हम लोग देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पढ़ने लिखने के बच्चों का अधिकार नहीं है? 8 घंटा लाइट आती थी, उसके बाद भी लोगों के ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा, तो वो भी नहीं मिल रहे हैं, जनता चंदा लगा के लगवा रही है, तमाम समस्याएं उठाई हम लोगों ने, लाठी भी खाई है। अगर लाइट के लिए पूरी जनता रोड पे खड़ी हो रही 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लाइट दे रहे हो तो लाठी खाओगे। अच्छा, बाकी ये है कि आम जनता जैसा बोलती है कि जब भी इलेक्शन आने लगता है तो अब इस तरीके के वादे बाहर निकल के आते हैं और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक रिव्यू जब किए जाते हैं तो उसमें लोग यही चीज़ कहते हैं। जो आपने उज्ज्वला योजना की बात की, उस उज्ज्वला योजना में भी ये है कि जो आगे क्रीमी लेयर लगा दी गई है कि उसमें कुछ लोगों को दिया गया एंड जो बाकी के और है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई, तो उस मॉनिटरिंग में कई चीज़ें भी ऐसी सामने आई हैं कि लोगों को उस योजना का लाभ ही नहीं मिला। देखिए, आप समझिए, कोई भी योजना जो केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है, अभी समाप्त नहीं हो गई, अभी कर ही रही है उस पर काम। फिर एक साथ एक योजना थोड़ी ना है भाई, आवास दे रही, विद्युत दे रही, आपको गैस कनेक्शन दिया, आपको पानी का व्यवस्था कर रही है, आपको शौचालय दिया है, आपको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया है, किसान सम्मान निधि दिया है, श्रमिक के लिए जो 500 रुपये वो भी हो गया है, दूसरा जो है मतलब हर चीज़ जुनून कर रही है हमारी सरकार और कोई योजना बंद नहीं है। हम वो बोल रहे हैं, हम कोई चुनावी वादे नहीं कर रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं जो हम करके आए हैं। आप देख लीजिए हमारी सरकार का जो भी घोषणा पत्र है, जो बोला है वो किया है, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, 1922 हो, जो हम बोले हैं पीछे करके आए हैं, इसीलिए जनता का भरोसा हमारे साथ है, क्योंकि हमने पूर्व में जो बोला है वही किया है, आज जो बोल रहे हैं वही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई जो है छोटी मोटी पार्टी नहीं, एक प्रदेश की, पूरे राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं और जनता को हम पे पूरा विश्वास है।
बाकी अब यह है कि आप गोसाईगंज के चेयरमैन हैं और यहाँ मोहनलालगंज से अमरेश कुमार रावत जी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, इनके विषय में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या ये जनता का भरोसा जीत पाएंगे? देखिए, पूरी तरह से जनता का भरोसा जीत पाएंगे, क्योंकि हम जैसे जनप्रतिनिधि इनके पास एक नहीं सैकड़ों हैं और हम लोगों ने जनता का भरोसा जीता है। हमारी सरकार हमको सिखाती है कि हमें कैसे लोगों की सेवा करनी है। हमारे यहाँ कोई जो है राजतंत्र नहीं चल रहा है, लोकतंत्र है, हम लोग सेवक हैं। हम चेयरमैन हैं तो हमारे नगर में एक बार घूम लीजिए जाके, आप स्वयं पता करिए घर घर हमने कैसे सेवा की है। मैं 4 वर्ष से चेयरमैन हूँ, बराबर 10 बजे से 5 बजे तक बैठता हूँ अपने कार्यालय में, जनता के हर दुख मुसीबत सुनता हूँ। कोई एक व्यक्ति हमारे यहाँ से, हमारी नगर पंचायत का हो, चाहे आसपास गाँव का हो, चाहे किसी भी जिले से भी आया हो, मैं उनकी हर समस्या में मदद किया है जितना मैं सक्षम हूँ। और कोई भी जनता निराश होकर नहीं गई है। हमने 1500 आवास हमने अपने नगर पंचायत में दिया है। किसके दम पे? मोदी जी, योगी जी के दम पे दिया है। एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं, अगर कोई साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी सरकार हमें भ्रष्टाचार नहीं सिखाती है। 800 शौचालय हमने दिए हैं, 400 जो है गैस कनेक्शन दिए हैं, 300 मैंने बिजली कनेक्शन करवाए हैं। जिन लोगों के कभी 50 वर्षों में घर नहीं बने हैं, उनके पक्के मकान बन गए हैं। एक भी घर हमारी नगर पंचायत में कच्चा नहीं है। मतलब इस तरह से सरकार ने हमें पावर दिया है कि आप गरीबों की हर स्थिति में मदद करिए। जो कभी नहीं हुआ 70 वर्षों में, वो आज गरीबों को मिल रहा है, उनका अधिकार मिल रहा है। ये बात समाजवादी पार्टी सरकार को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो लोग अफवाह फैला रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ फालतू के मुद्दे, झूठे अफवाहों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमारी सरकार जो काम किया है दमदारी से, उस पर चुनाव लड़ रही है, इसीलिए जनता का भरोसा हमारे साथ है। आज अमरेश रावत जी को जो जनता भरोसा कर रही है, वो इन पे तो कर ही रही, लेकिन मोदी जी योगी जी की नीतियों पे कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अमरेश रावत जीत के जाएंगे तो मोदी जी योगी जी ही मजबूत होंगे, इसलिए जनता हमारे साथ है, हर तरह से रहेगी। चुनाव हम लोग जीतेंगे, 50 वर्षों से लगा हुआ कलंक मोहलागंज विधानसभा से मिटाएंगे और कमल खिलाएंगे, ये वादा है हमारा। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। अभी हमने चेयरमैन, गोसाईगंज के चेयरमैन निखिल मिश्रा जी से बात की, उन्होंने बताया है कि ज़रूर इस बार मोदी जी एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। पब्लिक का प्राइम विधायक कौन होगा इस बार, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मोहनलालगंज के गोसाईगंज क्षेत्र पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका क्या कहना है कि इस बार विधायक कौन होने वाला है, तो आइए लोगों से ही बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके की इनके विचार है। तो क्या नाम है आपका? रमाकांत प्रधान, बिगरिया मऊ। अच्छा रमाकांत जी, ये बताइए कि इस बार मोहनलालगंज में जिस तरीके से, क्योंकि चुनावी माहौल सब जगह बना हुआ है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? योगी जी की, योगी मोदी जी की। जी, ऐसा क्यों? मतलब योगी मोदी जी की सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो क्या खास लगता है आपको जिसकी वजह से आपने बात कहा? मोदी जी की, योगी जी की जब से सरकार आई है, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बहन बेटी सुरक्षित हैं, कोई प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। जो स्कीम योजनाएं आती हैं धरातल पर उतरती हैं और पब्लिक तक पहुंचती हैं, इसलिए अब की बार अमरीश कुमार कमल खिलाएंगे, योगी जी को जिताएंगे। जी, आपका नाम क्या है? गया प्रसाद प्रधान, दौड़ारा। अच्छा, ये बताइए आपका वोट किसकी तरफ जाता है, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार इस बार सत्ता में आने वाली है? मोदी जी की सरकार बनेगी जी। और जो बिजली पानी जो सड़क है ये सब मोदी जी ने बनवा रहे हैं, बराबर कर रहे हैं जी। और घर बैठे राशन मिल रहा है, सब लोग राशन खा रहे हैं, इसलिए कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि कभी कोई राशन दे दिया हो, कभी कोई पैसा दे दिया हो, 2000 रुपये खाता में आ रहे हैं सबके, किसानों के। अच्छा, अगर हम आपसे, आपने अभी मोदी एंड योगी जी की बात की है, अगर हम आपसे बात करते हैं या मोहनलालगंज से जो बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं अमरेश कुमार रावत, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अमरेश कुमार को हम लोग जिता के लाएंगे, प्रधान दौरा रहा है। अच्छा। जिता के उनको लाएंगे हम लोग बीजेपी। आपकी क्या उम्मीद है जो विधायक होगा, आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से? विधायक से हम जो मोदी जी ने कर रहे हैं वही हमारा विधायक करेगा, वही हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नाम शारदा प्रकाश वर्मा है जी। शारदा, आप ये बताइए कि आप किसकी सरकार चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने सरकार से? भाई, मैं तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चाहता हूँ और मोहनलालगंज में अमरेश कुमार जी को विजय बनाना चाहता हूँ कि वो जीतेंगे तो उस, मतलब पर्सनली मुझे ही नहीं बाकी जनता के लिए काम करें, मुझे व्यक्तिगत कोई काम नहीं चाहिए, लेकिन अगर
जनता के लिए काम करेंगे तो इनके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसा क्या खास लगता है आपको अमरीश जी में कि वही बनाएंगे, क्योंकि अभी जो भी सरकार है वो बीजेपी की, आप योगी एंड मोदी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन अमरीश कुमार रावत भी एक कैंडिडेट हैं, उनके बारे में ऐसा क्या खास लगता है जिसकी वजह से आप चाहते हैं? क्या वो बीजेपी से हैं सिर्फ इस वजह से? बीजेपी से हैं वो भी, मान लीजिए बीजेपी से तो हैं, लेकिन वो जनता के बीच जुड़े हुए हैं पहले से भी हैं और जनता उन्हें जानती भी है। बस ये है कि कुछ 5-10% आदमी जो कहते हैं कि नहीं मैं इनको देखा नहीं, जानता नहीं हूँ, वो सब अफवाह हैं। बाकी सब लोग जानते हैं इनको, बाकी परिचित भी, व्यक्तिगत परिचित भी हैं, और इनको मोहल्लागंज और गुसाईगंज ब्लॉक से और मोहल्लागंज जो जनसभा है सबको इनको जानता है। इस वक्त हमारे साथ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? आपने विधायक लेके यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करते हैं, तो यहाँ लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी राम कैलाश जी। कैलाश, कैलाश जी ये बताइए कि आप यहाँ मोहनलालगंज से अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं अमरीश कुमार रावत जी, उनके बारे में क्या कहना? उनके बारे में सर सब यही सब सहमत है, सब उन्हीं का सब आदमी है सब जी। और उन्हीं को देखना है जी। और वो हमको भी देखेंगे सब जी। क्या चाहते हैं आप अपने विधायक से? विधायक से यही चाहते हैं कि मतलब जो है जो गरीब है वही, अब जैसे मान लीजिए जैसे अभी जानवर वानवर छूटे हैं, खेत पात खात खा रहे हैं, अब जैसे किसी के पास एक बीघा खेती है उजर गया है तो खाने को नहीं, और उसमें रात भर रखाते हैं, रात भर कहाँ रखा पाएंगे, सो जाते हैं तो उजर जाता है, तो सब यही सब दिक्कतें हैं, और कोई दिक्कत नहीं, और तो सब ठीक है, बस ये दिक्कत है। अच्छा, हमारे यहाँ से कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं, महिलाओं से पूछेंगे कि वो क्या चाहती हैं। क्या नाम है आपका? फूलमती जी। फूलमती, अच्छा ये बताइए चुनाव के बारे में, आपको पता है क्या होता है चुनाव, आप हमेशा वोट देती होंगी, इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगी, किसको वोट देंगी, कौन सी पार्टी को वोट देंगी? अरे मोदी सब खाना दाना पठाई से तो वही कर दे भाई। अच्छा, हाँ का करो? अच्छा, 2.5 साल के बच्चे पहुँचे खाना दाना पठाए रहा है, कह रहा है तो कहाँ करिए, गऊ छोड़ाए तो नाज गल्ला सब चरा जा रहा है, तो कौन परेशानी रहे। अच्छा, खुदे हटाए रहे हैं सब चीज पैसा से कौड़ी से, अब पैसा के लिख के लगे रहे हैं, वहीं अटा नहीं है, अब अटबई करी जब कबू अटी भाई बच्चा। अच्छा, और तो हमरे लोगन का घूर डर की जगह नहीं, और का कही बच्चा। अच्छा, आप ये बताएं अभी कई सारी योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं में कई उज्ज्वला योजना वगैरह जैसे कई ऐसे लाभ मोदी जी ने चलाए थे, उसके चलते आप क्या चाहती हैं अपने विधायक से? अपने विधायक साहब ये चाहते हैं कि हमको सब चीज़ व्यवस्था मिले, खाना तो देते हैं और व्यवस्था 2.5 साल से की हैं, मतलब ये हमारे लोगों के बटाई खेती है, कोई जो कोई दे दे वो लगाओ, रात भर बचाओ सुबह है ही नहीं, सब चर जात और बच्चा हमने न कोई खेतिया न किसानिया न कोई सर्विस वाले हैं, बस मजूरी करे बचते हैं बच्चे। जानवर आपकी जो फसल है वो चर जाते हैं, जैसे आप सब तुम लोगों का है जमीन दे रहे हो बटाई लुटाई, हम लोग मेहनत रात दिन कर रहे हैं, बस वही चर रहा और नहीं बाकी कोई तकलीफ नहीं, जो परवा विश्वास जमीन नहीं है तो बच्चा किसके सहारे जिएंगे। हाँ यही बात है, तो कुछ बदला बच्चा कुछ तो खाते ही नहीं का बच्चा, और नहीं कोई एको परवा विश्वास, बहुत जमीन नहीं को मिलैया है, कौन गरीब को हम लोगन को दे दें, तो वही सब तनिक कठिन हो जाए। यहाँ पर अभी एक समस्या ये है कि जो इनकी जो खेती बाड़ी है, जो थोड़ा बहुत भी काम करते हैं उसमें जो फसल वगैरह जो उनकी होती है, तो वो जो पशु हैं जो यहाँ के जानवर हैं वो उस तरीके से उनकी वो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसल खा जाते हैं। यहाँ पर आपका क्या कहना है, आप ही बताइए कि इस बार इलेक्शन में किसको वोट देने वाली हैं? बेटा मोदी को देने। मोदी को वोट क्यों देना आप? बेटा गेहूँ फसल है सब चरी जा रही है, और घूट डारे के जगह नहीं है, खेत देख लो चले इतनी इतनी ठूठी है, न आदमी है न लड़का है, बटाई खेती बोए कुछ नहीं हमारे लोगों के पास, और 2.5 साल से जो सोचना निकाले हैं वो सब ठीक है, मगर ये गैया बिछेड़ू है बेटा, यही से दिक्कत है थोड़ा, हाँ और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे साथ कुछ और आप कुछ बोलेंगी? हाँ ये बताइए किसको वोट देने वाली हैं?
अरे मोदी जी। अच्छा यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी कौन है जानती हैं आप? नहीं, यो नहीं जान पाता है। अच्छा मोदी जी को जानते हैं, हम मोदी जी को वोट देंगे। भाई ये लोग यहाँ बीजेपी में मोदी जी को वोट इनका देना मेन मकसद है, और सिर्फ मोदी जी को देना है क्योंकि मोदी जी इनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर ध्यान देते हैं, बाकी उनका कहना है कि और लोग ध्यान नहीं देते। आपका नाम क्या है? कुसुमावती। ये बताइए कि आप किसको वोट देने वाली हैं? हम तो मोदी को जो देंगे। मोदी को वोट क्यों देंगी? हम देंगे इसलिए कि हमारे बच्चों को राशन दे रहे हैं। हाँ, हमारे न खेती है न पाती है, हमारे बच्चों को राशन दे रहे हैं, हर चीज़ तेल वगैरह तेल भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो इसलिए हम उनको वोट देंगे। अच्छा अगर वो राशन आपको कोई और पार्टी दे तब? नहीं, ऐसा नहीं है, और कोई पार्टी आज तक नहीं दिया है। नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, तो हम कैसे कह दें कि हम किस पर भरोसा करें? जो हमको दिया है उस पर हमको भरोसा है, हम उसको वोट देंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ आप ही साहब, यही बात हमारे भी है। अच्छा आप भी मोदी जी को देंगे क्योंकि वो राशन देते हैं। अच्छा यहाँ से व्यवस्था है, और जब आगे कोई करेगा जो कुछ तो उसको देखा जाएगा, फिर अब जो हो रहा है वो देखें। अच्छा आपको पता है यहाँ से बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं अमरेश कुमार रावत, आप उनके बारे में कितना जानते हैं? अब ये हम लोग कहाँ जाने, पढ़े न लिखे हमको लोग। अच्छा कुछ और लोग भी हैं, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? प्रताप जी, ये जानते हैं कि आप यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या और कौन कौन से प्रत्याशी हैं उनके बारे में जानकारी है आपको? अब बारे में नहीं, मैं हम योगी और मोदी को वोट देते हैं बस, और किसी को नहीं। योगी और मोदी को हमको अच्छा। आपका क्या कारण है योगी और मोदी को वोट देने का? वो मोदी कारण ये है कि हम लोगों का बढ़िया चाहिए, इंटरनेट से चाहिए जो काम कर लो, ऐसे था भ्रष्टाचारी थी, अब भ्रष्टाचारी तो नहीं है भाई, यही है, और यही इसीलिए सब लोग वोट इनको। अच्छा महिलाएं अभी बोल रही हैं उन्होंने राशन पानी दिया है इस वजह से है, अगर कोई अन्य पार्टी आपको राशन पानी और दुगना देने लगेगी तब आप क्या करेंगे? नहीं ऐसा होगा ही नहीं, कभी आया नहीं ऐसा तो। हाँ मोदी और योगी ही ऐसा कर रहे हैं जो गरीबों को पाल रहे हैं, और तो और जैसे अभी सपा आ जाए वो भी समझ लो खाती है, सबको चबा जाएगी वो, तो उसमें गुंडा राज आ जाता है, इसमें गुंडा तो नहीं है भला, सुकून की जिंदगी काटे आदमी गरीबी में, तो वही है मैडम। अच्छा बाकी ये है कि आपके अनुसार अगर मोदी योगी की सरकार आ जाती है, यहाँ से जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं अगर वो आ जाते हैं, तो आपकी और क्या क्या डिमांड रहेगी उनसे कि वो आपके क्षेत्र में क्या क्या काम करें? यही है कि रोड और यही सड़क, बस थोड़ा आदमी किसान, हम लोग हैं किसान तो जानवर से थोड़ा पीड़ित, यही कहते हैं बड़ा बड़ा बनवा दें बस, और बस यही, और क्या चाहिए बस। और विकास के नाम पर आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं विकास के नाम पर क्या, रोडें हैं सब यही विकास करें भाई, और क्या, और तो हमको हमारा पूरा जीवन खिला नहीं पाएंगे। आपको पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, दवा दारू से संबंधित, आपको उस चीज से कोई मतलब, आपको उस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं? दवा दारू तो भाई अस्पताल जैसे खुलवा दे तो और अच्छा है आदमियों के लिए, अब जितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे, अब इससे ज्यादा तो मैडम हम नहीं जानते इनके बारे में। हाँ वही। अच्छा हम और लोग से भी पूछेंगे कि उनकी क्या ख्वाहिश है, वो क्या चाहते हैं कि उनका क्या, अपने विधायकी से उनकी क्या ख्वाहिश है? क्या नाम है आपका? पवन कुमार वर्मा। पवन जी बताइए कि आप इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं? हम लोग तो भाई योगी और मोदी को ही सपोर्ट करते हैं, और पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं बराबर, जब से योगी जी आए हैं या मोदी जी हैं, तो जो देश के प्रति जो भी काम किए हैं वह उन्हीं को हम लोग देखते हैं, अपना विशेष व्यक्ति नहीं देखते कि 300 यूनिट बत्ती फ्री देंगे या कुछ करेंगे, ये तो सब केवल हवा की बातें हैं। जो मूल सुविधाएं हैं योगी जी ने पूरा किया है, और हम उसी को देखकर वोट कर रहे हैं। अच्छा अगर मान लीजिए, अच्छा यहाँ के मोदी योगी को आप जानते हैं, मोहनलालगंज से मोदी योगी की पार्टी में दावेदारी कौन कर रहा है उनके बारे में जानते हैं? अरे दावेदारी तो अमरेश जी अब मान लीजिए हैं, हमारे यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, तो हम लोग फिलहाल इनको तो चेहरे से अब पहली बार देखा है, लेकिन प्रत्याशी कोई भी हो हमको उससे नहीं लेना, हम केवल एक ही जानते हैं कि जो योगी जी ने प्रत्याशी बनाया हम उसी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम रूपक गुप्ता है। रूपक जी ये बताइए कि इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? मैडम हम तो बस कमल का फूल
अमरीश पुष्कर जी हमारे यहाँ माननीय विधायक जी, उनको जिताना है भारी महोत्सव से। ऐसा क्या खास लगता है कमल के फूल में? मैडम हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हमारे आज समाज में जो है माताएं बहनें सुरक्षित हैं, ठीक है, और जो है जो विकास की बात योगी जी करते हैं, कहते हैं, करते हैं, बस इन्हीं मुद्दों पर हम लोग वोट करेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है? बिल्कुल मैडम, गारंटी के साथ जो कहती है वो करती है और किया भी है जी। और बाकी ये है कि आपकी उम्मीदों पे अगर खरा उतरते हैं तो आप क्या चाहेंगे अपने विधायक से कि और क्या क्या चीज़ आपके क्षेत्र में होनी चाहिए? मैडम बस यही है कि हमारे ग्राम समाज में, ग्राम सभा में और हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र में विकास होना चाहिए और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, बस हम यही उनसे चाहते हैं। हर कोई विकास की बात कर रहा है, विकास की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो उन विकास में आपकी नज़रों में क्या क्या चीज़ आता है, जो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? मैडम बस यही है कि किसानों को जो है पानी की सुविधा और बिजली, जो यहाँ इससे पहले जो विधायक थे, सरकार थी, यहाँ पर मुश्किल से 8 घंटे लाइट आती थी, जब से योगी जी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं आज हमारे पूरे तहसील में जो है 24 घंटे लाइट आती है। बस यही, इसी उम्मीद में हम लोग वोट करेंगे बीजेपी को। भाई यहाँ पे हम लोग पब्लिक का प्राइम विधायक में विधायक आज ढूंढने निकले थे, जिसके चलते हमने विधायक से भी बात की है और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की है। लोगों का कहना है कि हम सिर्फ कमल के फूल को ही अपना विधायक चुनेंगे, क्योंकि मोदी और योगी पर उनको बहुत भरोसा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मोदी और योगी की सरकार जो बोलती है वो करती ज़रूर है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।